सबसे पहले तो कुछ और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने इतना सपोर्ट किया मेरे फर्स्ट वीडियो को और इतना ज़्यादा उसे अप्रिशिएट किया, लाइक करा, अपने कमेंट्स शेयर करे, तो आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली एंड एवरीबॉडी। और आज का हमारा जो वीडियो है वो एक बहुत ही अनोखे प्राणी पे बनाया है मैंने, शायद आपने गेस कर ही दिया होगा। सो हाय गाइस, आई एम सना खान और आज का वीडियो है रॉकी सुपरस्टार पे, तो चलो उसे रोस्ट करते हैं। यार इस दुनिया में सब एक दूसरे से परेशान है मेरे अलावा, क्योंकि मैं तो सबको देख के खुश हूँ, क्योंकि मुझे देख के सब खुश है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि सब आपको देख के खुश है? नहीं, आप में है क्या ऐसा जो आपको देख के कोई खुश होगा? ओह यू आर दैट पाउट फेस जो मुझसे बनाते भी नहीं बनता और ना मुझे कोशिश कर दिया बनाने की। यार फैन तो मेरे भी बहुत हैं, लेकिन क्या करूं, सबके सब छत पे लटके हुए हैं। हाँ फैन तो मेरे भी बहुत हैं, पर वो भी सबके सब छत पे लटके हैं। जो छत पे लटके होते हैं ना उन्हें फैन नहीं कहते हैं, मतलब वो फैन होते हैं पर वो फैन नहीं होते जो आपको लग रहा है वो आपको फैन। तो मतलब जो आपको लग रहा है जो वो फैन है वो फैन नहीं है, वो फैन अलग है, समझे? यार वीडियोस मेरी होती है और सेटिंग दूसरे कर जाते हैं, हम तो बस वीडियो में कमेंट पढ़ के रह जाते हैं। एक तो इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी हो आप, आपको लगता है पूरे जहां भर में आप ही हो और आपका एक पाउटी है जिसको देख के लड़कियां मर ही जाएंगी, है ना? तो ऐसा नहीं है भाई साहब। भाई जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं बिना लाइक कमेंट शेयर किए हुए हट जाते हैं, सरकार से निवेदन है कि उन लोगों को अनपढ़ घोषित कर दिया जाए। सीरियसली अनपढ़ घोषित कर दोगे आप सरकार को बोल के हमें, क्योंकि हम आपके स्टूपिड वीडियोस को लाइक और कमेंट नहीं कर रहे? मैं तो नहीं करूंगी। भाई अगर वो पत्थर दिल है तो मैं भी छेनी हथौड़ा लेके बैठा हूँ, मैं भी दिल में जगह बना के रहूंगा। अब या तो आप इस छेनी हथौड़ी से अपना मुंह खुद सुधार लो, नहीं तो ये शुभ अवसर मुझे दो, मैं और ये काम मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूं। यार कल रात में अजय देवगन का पुलिस वाला पिक्चर देख रहा था, अगर ये मेरे जिंदगी पे होता तो इसका नाम क्या होता? सिंगल और सिंगल रिटर्न्स। इसीलिए शायद वो मूवी अजय देवगन पे बनी और आप पे नहीं बनी, कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि आप सिंगल हो या नहीं। कितनी ब्यूटीफुल है यार हंसिका मैम, काश कि कभी मैं भी उनसे मिल पाता। ये इंसान तो साइकोपैथ है मैं समझ आता हूँ, पर यार ये हंसिका मोटवानी की क्या मजबूरी जो उसको इस के साथ वीडियो बनाना पड़ा। यार बीगो पे कोई टेलर है क्या? मेरी दूध फट गई सिलवानी है तो बताओ यार। अबे दूकिया कैसी बातें करता है, फटा दूध टेलर सिल के देगा क्या? अच्छा चलो अगर कोई मिल भी जाए ना तो उससे अपना मुंह भी सिलवा लेना। यार अभी तो बस यही लगता है कि साबुन से इतने साल हाथ धो के मेरे हाथ से प्यार की लकीर ही मिट गई है। भाई अच्छा हुआ मिट गई, अच्छा ही हुआ मिट गई, वरना वो लड़की पे ना मुझे बहुत तरस आता बेचारी जिसकी तुमसे शादी होती, ठीक है ना? तो थैंक गॉड करो गॉड को, और भगवान करे तुम्हारी लकीरों के साथ तुम भी इस दुनिया से मिट जाओ ताकि तुम्हारी अल्लाह तौबा बातें ना सुनना पड़ेगी सब। चलो ये रॉकी सुपर गवार का तो समझ आता है, इसको बाकी लड़कियां पसंद कर भी लेती होंगी एक टाइम पे, पर हमारी एक्ट्रेसेस को क्या हो गया, इनके टेस्ट को क्या हो गया, मैं ये जानना चाहती हूँ जो इसको एक रुपए का भी भाव मिल रहा है इनसे। बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है। बस यार वो आज का वीडियो यहीं तक था, मैं तो वैसे ही इससे इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि मैं इसके और वीडियो सच में नहीं देख सकती। आपको देखना हो तो आप पर्सनली देख लेना, वैसे मैं सजेस्ट करूंगी ना देखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और पिछले वीडियोज की तरह ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें, और स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।